हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सॉर्ड इंडिया चैनल पर। मैं हिमांशु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, कल से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं कंपार्टमेंट के, तो बहुत सारे लोग अभी भी डरे हुए हैं। मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आ रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एक मोटिवेशनल वीडियो कल देखा, तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। संदीप महेश्वरी जी हैं, उन्होंने वो उसको उनका वीडियो है, बहुत ही मोटिवेशनल है। तो जब भी मैं डिमोटिवेटेड होता हूँ लाइफ में या थोड़ा सा लो फील करता हूँ, तो मैं वो वीडियो देख लेता हूँ। तो उसका लिंक भी मैंने दे दिया है, उसको ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस वीडियो में। अगर इसके बाद भी आप में मोटिवेशन नहीं आया, तो आई एम सर्टेनली हेल्पलेस। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद या संदीप महेश्वरी जी का वो वीडियो देखने के बाद आप में पूरी पूरी हिम्मत आ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से, एक हंगरी का एक सैनिक था, उसका नाम था कैरेली। आप लोगों ने जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो जानते होंगे मैं क्या बात करने वाला हूँ। तो कैरली था, वो उसका एक ही सपना था लाइफ में कि उसको बनना था बेस्ट शूटर इन द वर्ल्ड। तो वो अपने यहाँ जो हंगरी है वहाँ पे नेशनल गेम्स, सभी नेशनल गेम्स में विनर हो चुका था, अव्वल आ चुका था। तो अब उसका सपना था कि उसको अपने देश का नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड का बेस्ट शूटर, अपने जो हाथ था, जो राइट हैंड था उसका, उसको बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना था। तो वो ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा था, जो 1940 में ओलंपिक्स होने थे, तो उसकी वो तैयारी कर रहा था। तो पर क्या हुआ कि 1938 में, क्योंकि वो सैनिक था, तो एक जो फॉल्टी ग्रेनेड था वो उसके हाथ में फट गया, यानी जो उसका बेस्ट हैंड था, यानी राइट हैंडर था वो, उसके हाथ में वो ग्रेनेड फट गया, उसका हाथ चला गया। तो एक महीने तक उसका इलाज चला, और अब आप समझ सकते हैं, जिससे हम हाथ से जिससे लिखते हैं, जो हाई राइट हैंडर है वो लेफ्ट हैंड से काम नहीं कर सकता, मगर उसके अंदर वो विल थी। उसने क्या किया, ठीक है, एक महीने बाद अपने छुप छुपा के, उसके बाद उसने भी ट्रेनिंग शुरू की थी, अपना जो ओनली हैंड था, यानी जो उल्टा हाथ था जिससे वो लिख भी नहीं सकता था, उससे उसने उसको ट्रेन करना शुरू किया और शूटिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू की। फिर 1939 में जब उसकी कंट्री में नेशनल गेम्स हुए, तो वो गया। तो वहाँ जो और प्रतिभागी और कॉन्टेस्टेंट्स आए हुए थे, तो वो खुश हो गए कि देखो, ये होता है जज्बा, कि अपना हाथ गंवाने के बाद ये हम लोगों को उत्साहित करने आया, इंस्पायर करने के लिए आया, हमारा मैच देखने के लिए आया। तो उन्होंने उससे कहा कि सर, थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए। तो कैरले ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे कम्पीट करने आया हूँ, तैयार हो जाओ। उसमें जब वो गेम हुआ, शूटिंग हुई, तो कैरली उसमें विनर साबित हुआ। फिर उसने अपना सारा ध्यान वहाँ के बाद 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वहाँ लगा दिया, मगर वो वर्ल्ड वॉर होने की वजह से वो ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। फिर उसने अपना ध्यान लगाया 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे, मगर वर्ल्ड वॉर टू होने के कारण वो भी कैंसिल हो गए। फिर 1948 में जो ओलंपिक्स हुए, उसमें कैरेली गया और जीत गया, उसको गोल्ड मिला। मगर वो यही नहीं रुका, उसने फिर 1952 में भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और वो फिर से जीता और ओलंपिक की पूरी हिस्ट्री को बदल दिया। अभी देखने वाली बात यह है कि जितने भी कंटेस्टेंट थे, चाहे वो नेशनल गेम में थे जब कैरेली का हाथ चला गया था, ओलंपिक्स में थे, वो अपने बेस्ट शूटिंग हैंड से कम्पीट कर रहे थे और कैरेली कर रहा था अपने ओनली हैंड से कम्पीट। तो तीनों ही प्रतिस्पर्धाओं में कैरेली की जीत हुई। 1948 वाले ओलंपिक्स में भी, 1952 में जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें भी। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर हमें जज्बा है, अगर हमें कुछ करने की पूरी इच्छा शक्ति है, तो हम बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। जैसे कैरली ने अपने जो लेफ्ट हैंड था जिससे वो लिख भी नहीं सकता था, उसको बेस्ट शूटिंग हैंड बनाया वर्ल्ड का और ओलंपिक्स की हिस्ट्री बदल दी। उससे पहले ओलंपिक्स में कभी भी किसी एक एथलीट ने लगातार 2 बार गोल्ड नहीं जीता था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि संदीप महेश्वरी जैसा मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, वो मेरे भी गुरु हैं, मोटिवेट होता रहता हूँ मैं उनके वीडियोस देखकर। तो उनका वीडियो, तो अगर आप वीडियो देखना है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं संदीप महेश्वरी जी का, और मोटिवेट करिए अपने आप को, एग्ज़ाम ऐसे निकल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।